सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार की आज दिनांक 28/4/2023 की प्रमुख खबरें। दबी जुबा की दास्ता पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा सिविल सेवा दिवस 2023 समारोह का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं मुख्य सचिव श्री आमिर सुभानी समेत कई वरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा सिविल सेवा दिवस 2022 समारोह में सिविल सेवा पर केंद्रित स्मारिका पुस्तक का लोकार्पण किया गया। मालूम हो कि सिविल सेवा दिवस समारोह के अवसर पर कुल 7 विभागों ने नवाचारी प्रयोग से संबंधित अपनी प्रस्तुति दी। शेखपुरा की जिलाधिकारी श्रीमती जय प्रियदर्शनी की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक हुई। उन्होंने आधार सीडिंग कार्य में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी श्री वैभव चौधरी की अध्यक्षता में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लंबित द्वितीय अपील वादों की सुनवाई हुई। उन्होंने प्राप्त कई आवेदनों का ऑन स्पॉट समाधान किया। बेतिया के जिलाधिकारी श्री दिनेश कुमार राय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। कैमूर के जिलाधिकारी श्री श्रावण कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन हुआ। उन्होंने प्राप्त कुल 27 आवेदनों में से कई मामलों का ऑन स्पॉट निष्पादन किया। सारण के जिलाधिकारी श्री अमन समीर की अध्यक्षता में बैंकिंग कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। उन्होंने सभी बैंकर्स को मार्षिक लक्ष्य अनुरूप अधिक से अधिक आमजनों को प्रत्येक योजना से संबंधित ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के कार्य प्रगति हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए।